हे गाइस, देखो आज सुगर सेक्टर में सुगर स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आई है सर, वो भी गवर्नमेंट के तरफ से। अब इसके दम पे सर स्टॉक्स में आई है तेजी, तो थी तो सर ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर। जैसे देखिए बताया जा रहा है एथेनॉल स्टॉक्स में सर काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न क्या था? एथेनॉल स्टॉक जंप 15%, सारे जितने भी सुगर वाले हैं सारे सर। गवर्नमेंट यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है रिमूव कैप ऑन सुगर, यहाँ देख सकते हो डिवीजन सर आपको जो बताया जा रहा है। डाइवर्जन था फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, सरकार ने बोला था कि भाई तुम इतना से ज़्यादा एथेनॉल नहीं प्रोडक्शन कर सकते, ये कर सकते हो, मतलब सरकार ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डाले थे सर। उसके बाद सरकार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को सर वापस ले रही है अब, जिसके कारण मतलब जो है सुगर वाले कंपनियों को एक तरीके से छूट मिल रही है सर, छूट मिल रही है कि भाई आप अपने हिसाब से जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कर सकते हो सर। वही चीज़ यहाँ पर क्या है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ देख सकते हो हैज़ रिमूव्ड द कैप ऑन सुगर डिवीज़न जो आपको बताया जा रहा है। और वही बताया जा रहा है, ये जो डिवीज़न आपको बताया जा रहा है जो सरकार ने कल अनाउंस किया है, जिसकी वजह से आज के डेट में जितने भी लिस्टेड स्टॉक थे सर, जितने भी लिस्टेड स्टॉक थे वो सब 10% 15% एक दिन में भागते हुए नजर आए सर, सब के सब। जहाँ पर सरकार बोल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू रेज द एथेनॉल ब्लीडिंग सर, सरकार भी चाहती है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े, वो भी चाहती है, सरकार भी चाहती है कि उसके लेवल में भी हम सर बड़े काम करना स्टार्ट करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर 15% बाय द एंड ऑफ 2025, मतलब सर क्या होता ना E20 जो देखने को मिला ना, सरकार ने जो टारगेट रखा है E20, मतलब आप पेट्रोल डीजल जो होता है ना सर उसमें आपको 20% ये देखने को मिलेगा। तो सरकार चाहती है कि भाई हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो सरकार ने अपना टारगेट रख रखा है कि 2025 तक हम 15% जो है उसमें डीजल और पेट्रोल में ये मिक्स कर देंगे। लेकिन सर प्रोडक्शन बढ़ेगा इंडिया के अंदर तब ना, तो सरकार को सर ये छूट देना ही पड़ा इसके वजह से। जैसे बलरामपुर चीनी सर, इसमें आज काफी बड़ी तेजी देखने को मिली सर, बहुत बड़ा तेजी देखने को मिला। उसके बाद और भी आपको देखने को मिल जाएंगे सर, नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, ये भी सुगर से रिलेटेड है, इसमें भी काफ़ी बड़ी आपको तेजी देखने को मिली सर। श्री रेणुका सुगर, इसमें भी काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिला सर। ये सारे जितने भी है ना सर, लगभग ये एथेनॉल वगैरह के लिए काम करते हैं, अल्कोहल वगैरह के लिए काम करते हैं सर, देख सकते हो। तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ है और ये दोनों चीज़ों में सर कंपनी को फायदा हो रहा है सर। अल्कोहल सर इंडिया देखोगे तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है सर अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के बाद अगर आप देखोगे तो एथेनॉल, तो सर इसमें तो सर सरकार चाहती है कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाए। उसके बाद देख सकते हो ईड पेरी, तो सर ये एक बाप रे बाप, ये कंपनी नहीं मतलब सर, मतलब बहुत अच्छा सर लंबे समय में जो रिटर्न निकाल के दिया है ना, हम भूल नहीं सकते। धामपुर सुगर, इसमें भी काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जिनमें तेज़ी ही तेज़ी आपको देखने को मिली है सर, बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर। इंडिया के अंदर सर 30 कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि सुगर सेक्टर में है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए काम कर रही है, एथेनॉल मेथेनॉल मतलब अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम कर रही है सर। ऐसा जैसे शक्ति सुगर देखेंगे तो ये भी देख लीजिए बहुत गिरा हुआ है, ये तो लगभग पिछले 5 सालों में कुछ रिटर्न भी निकाल के दिया सर। पिछले 5 सालों में इथेनॉल के दम पर यह भागता हुआ भी नजर आया है और स्ट्रेट फॉरवर्ड में सर ये भागता हुआ भी नजर आ रहा है, केवल 400-500 करोड़ की कंपनी है सर, ठीक है। उत्तम सुगर अगर आप देखते हैं तो सर, उत्तम सुगर की बात कर लेते हैं तो ये भी देख लीजिए कहाँ था गिरने के बाद सर, ये लगभग 90% स्टॉक गिर चुका था, 96% कुछ बचा ही नहीं था सर कंपनी में, 97% गिरने के बाद ये सर कंपनी ने जो बाउंस बैक मारा है मतलब काबिले तारीफ है सर, 2671% तक का रिटर्न निकाल के दिया है सर। सोच लीजिए पिछले 5 सालों में, तो सर पिछले 5 सालों में भी देख लीजिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा उत्तम सुगर, उत्तम काम ही कर रहा है सर। श्री रेणुका सुगर तो ये भी देखेंगे आज 5% भागा, लंबे समय में देखेंगे तो ये भी गिरा हुआ था और ये भी लगभग सर नीचे से लगभग ऊपर बॉटम बना रहा, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत लंबे समय से मतलब लंबे समय से 4-5 सालों से देखेंगे तो लगभग सर देख सकते हो 2000 यहाँ देख सकते हो 21 से 22, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ये 4 ईयर, तो सर लगभग 3-4 सालों से ये कंपनी यहाँ पर बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। सोच लो इसके बाद अगर सरकार ने अगर इस सेक्टर का बूस्ट किया तो ऐसी कंपनियाँ जो है लगभग अपना लगभग जो है कि मैक्सिमम तेज़ी दिखा सकती है सर। त्रिवेणी तो आज तो लगभग इन्होंने सर 7-8% तक का तेज़ी दिखाया, ऑल टाइम हाई पे देखने को मिला सर। ये कंपनी भी अगर देखेंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब सर 90% गिरा हुआ था सर, 90% से ज़्यादा गिरा हुआ था। कहने का मतलब है कि सुगर वाले जितने भी कंपनी हैं सर, सभी जो है मोर देन 90% गिरे हुए थे सभी के सभी। उसके बाद सर जो उन्होंने चमत्कारी रिटर्न बना कर दिया ना, वो सोचने वाली बात है सर, 3000% का। तो सुगर सेक्टर का सर पहले दिन खराब चलता था, ईड पर ही तो मतलब सर नंबर वन, ईड पर ही मतलब आप क्या बोल सकते हैं सर, 10000% का रिटर्न। तो सुगर वाले स्टॉक भी सर लगभग आप देखोगे तो 4-5 सालों से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखेंगे तो सर कंसोलिडेट ही कर रहा सर, ठीक है। 1400 करोड़ की कंपनी है बलरामपुर चीनी, तो ये भी देखिए 3% आज भागा हुआ है, तो ये भी देख लीजिए ऑल टाइम हाई पे है सर। ये कंपनी में देखोगे तो सर लंबे समय में
कंसोलिडेट ही कर रहा था जैसे और सारे कर रहे थे सर। ये भी देखते हैं यहाँ से यहाँ तक चला ही नहीं था सर, उसके बाद चला तो रुका नहीं, फिर यहाँ से चला तो देख लीजिए। तो ये है सर, ये 12,000 करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड भी देती है सर, सोच लो। तो इस तरीके के बहुत सारे, बजाज हिंदुस्तान शुगर तो सर ये एक बार कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका था, उसके बाद आज अगर देखोगे तो पिछले 5 सालों से तो इसने लगभग सर हर दिन एक नया हाई ही टच किया सर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सुजलॉन की तरह। तो शुगर सेक्टर में भी सर कुछ बड़ा हो सकता है। एक आदमी है जिनका नाम है अनिल कुमार सर, इनका 2,400 करोड़ का पोर्टफोलियो है सर। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है सर वो शुगर स्टॉक्स पे दिया है। देखिए त्रिवेणी को सर इस क्वार्टर में इन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। हाँ ये भी देख सकते हो, ये भी शुगर स्टॉक है सर। अभी इनके मैं पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कितने सारे शुगर स्टॉक हैं। त्रिवेणी देख सकते हो सर, 500 करोड़ इन्होंने डाल रखा है। फिर ये भी देख सकते हो, ये भी शुगर स्टॉक है, दो हो गए सर, ठीक है। शायद ये भी, ये टेक्सटाइल या पेपर का होगा या शुगर का होगा सर, दो तो हो गए ना सर, दो तो, हाँ ये देख लीजिए, ये तीन शुगर वाले स्टॉक हो गए सर, कितने हो गए, तीन। हाँ और ये चार हो गए सर, ये भी चार, चार शुगर वाले स्टॉक हो गए सर, चार हो गए। हाँ ये पाँच हो गए सर, पाँच शुगर वाले स्टॉक हो गए सर। ये भी सर, ये छः हो गए सर, छः हो गए, ये भी छः शुगर वाले स्टॉक हो, ये भी देखिए, ये सेवन हो गए सर, सात हो गए, फिर सात 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 और भी है सर, सेवन आपको देखने को मिल गया है ना, सेवन हो गए, और नीचे में भी आपको देखने को मिल जाएगा सर। हाँ फिर भी सोचो कि सर इनके पोर्टफोलियो में सेवन तो सर शुगर से रिलेटेड स्टॉक थे सर, सेवन मतलब ये ज़्यादातर सर अपना पैसा जो है शुगर सेक्टर में ही डालने की कोशिश कर रहे हैं। सोचो इन भाई साहब का नाम है अनिल कुमार गोयल, आप चाहो तो गूगल में जाके सर्च कर लो सर। इन्होंने सब कुछ बेचकर ज़्यादा ध्यान अपने शुगर वाले चीज़ों पे ही दिया है, मतलब स्टॉक पे ही दिया है सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट फ्री में होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंटरडे में जो हर जगह होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।